हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ब्यूटी लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है आईब्रो। आईब्रो हम दूसरों से बनवाते हैं, लेकिन हमें खुद बनाना नहीं आता अपनी आईब्रो। मैं भी पहले बाहर से ही बनवाया करती थी, तो हुआ यूँ कि मेरी आईब्रो 2-3 बार लगातार कभी इधर से निकाल देते थे, कभी इधर से निकाल देते, तो मुझे यूँ लगता था कि मेरी आईब्रो मुझे खुद काम आता है करना, और मैं बाहर से बनवा कर अपनी आईब्रो का सत्यानाश कर लेती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आईब्रो खुद ही बनाऊंगी, और मैं हमेशा से अपनी आईब्रो अब खुद ही बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि अपनी आईब्रो खुद कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थ्रेड लेंगे। थ्रेड को इस तरीके से डबल फोल्ड करके तोड़ लेंगे, और यहाँ पर हम एक नोट बना लेंगे। डबल गार्ड लगानी है ताकि ये खुले नहीं। इतना साइज होना चाहिए ताकि ये हमारे हाथों में इस तरह से 2-3 बार फिट करके मिरर के सामने देखकर हमें इस तरीके से अपनी बालों को निकालना है। एक तरफ से हम पुल करेंगे और एक तरफ से ऐसे बंद करेंगे। सेंटर के बाल निकालने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा, आप अपने सामने इस तरीके से मिरर रख के और मिरर के सामने बैठकर आप अपनी थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मिरर में देखते हुए हम यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे उन्हें निकालते जाएंगे। बहुत ही पेशेंस रख के ये काम करना है। आपको पता है थ्रेडिंग सबसे मेन होता है हमारे फेस की। अगर एक भी बाल एक्स्ट्रा चला जाए तो सारी थ्रेडिंग खराब हो सकती है। एक ही करके अपनी शेप के हिसाब से बाल निकालते जाएंगे। ऊपर के सारे एक्स्ट्रा बाल निकालने के बाद अब हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सारे बालों को एक बार इस तरीके से सीधे करके अपनी थ्रेडिंग को इस तरीके से ऊपर कर लेना है ताकि ये टाइट हो जाए, स्ट्रेच हो जाए इसे। उसके बाद हम धागे में बालों को लेते हुए निकालेंगे इस तरीके से। अगर आप लोगों को ज़्यादा पेन हो रहा हो या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपकी स्किन ज़्यादा लूज है, तो आप इसे मत कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितनी प्यारी सी शेप बनी है। अब हम यहाँ के जो नीचे के एक्स्ट्रा बाल होंगे अब हम उन्हें निकाल लेंगे। जहाँ से आपकी स्किन ज़्यादा लूज हो वहाँ पे आप लकड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का प्लकर आता है। आप इस तरीके के प्लकर से भी नीचे के बाल, जो भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की स्किन मेरी ज़्यादा लूज है, देख सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ लूज है स्किन, वहाँ पर हम इस प्लकर की हेल्प से अपने बालों को निकालेंगे। इस तरीके से स्ट्रेच करके फिर हम बालों को निकालना स्टार्ट करेंगे। जो बाकी के हेयर्स हमारे रह जाएंगे यहाँ पर, जो स्किन लूज होती है, वहाँ पर हम इस प्लकर की हेल्प से अपने बालों को निकालेंगे। इस तरीके से हमें पहले अपनी स्किन को स्ट्रेच कर लेना है ताकि कोई कट ना लगे। जहाँ भी आपको बाल दिखाई दे रहे हैं उसे हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, अब जो भी एक्स्ट्रा बाल हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। इस तरीके की थ्रेडिंग सीजर्स आती हैं, उसे हम इस तरीके से बालों को ऊपर उठाएंगे और फिर हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अब कर लेंगे। दूसरी तरफ की थ्रेडिंग करने के लिए हम ऊपर की तरफ से तो थ्रेडिंग ही करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्रेडिंग को बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक भी बाल निकलने से आपकी थ्रेडिंग खराब हो सकती है। इस तरीके से हम दूसरी तरफ के भी ऊपर के बाल निकालेंगे। ऊपर के बाल निकल चुके हैं मेरे, अब नीचे के बाल निकालने के लिए पहले हम थ्रेड से निकालने की ट्राई करेंगे जितने बाल हमारे थ्रेड से निकल जाते हैं। क्योंकि इस तरह की थ्रेडिंग जो है हम हाथों से जब करते हैं
किसी दूसरे के ऊपर करते हैं तो हम उल्टी साइड से आकर करते हैं, इसीलिए यहाँ के नीचे के बाल निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम जितने बाल हमारे थ्रेड की हद से निकलते हैं हम निकालेंगे, उसके बाद हम प्लकर की हद से इस तरीके की थ्रेडिंग करेंगे। जिनकी स्किन बहुत ही टाइट है वो लोग बहुत ही आराम से थ्रेड से कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन यहाँ से बहुत लूज है इसीलिए मैं थ्रेड की हेल्प से करूँगी। बहुत ही ध्यान से बालों को निकालना है, कोई भी एक भी बाल एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए वरना आपकी थ्रेडिंग खराब हो सकती है। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से हम सारे बालों को यहाँ से निकालेंगे जो भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। इसके बालों को भी हम ऊपर की तरफ उठाकर इस तरीके से कटिंग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा बाल हमें दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को वैसे समझ में ना आए तो इस तरीके से दोनों तरफ हाथ रखकर आप देखकर चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। ऐसे ही हम नीचे की तरफ इस तरीके से चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग की शेप दोनों तरफ की कितनी सुंदर आई है। आप लोग घर पे भी बहुत ही इजीली अपनी थ्रेडिंग को कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए हम अब दोबारा थ्रेड की हेल्प से बचे हुए बालों को निकाल लेंगे। जरूर करनी चाहिए, ऊपर की तरफ भी करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमने कटिंग की थी तो जिस उसके नीचे के जो बाल रह जाते हैं उसे हमें निकालना होता है। दोनों तरफ ये देखिए फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि घर पर बैठकर हम अपनी थ्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग मेरी थ्रेडिंग का लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसी की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।